कोई बात नहीं कर रही मुझे। अरमान, अरमान प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। नहीं अरमान प्लीज। अरमान नहीं बात कर रही, क्या शोर मचा रखा है इतनी रात को? तू शराब पी क्या है? वहाँ आलिया तेरा इंतजार कर रही है और तू यहाँ तमाशे कर रहा है। तमाशा मैंने नहीं, आप सब ने किया है। आप सब ने ना मेरी जिंदगी का तमाशा बना के रख दिया। अब सब धोखे बात हो। डैडी जी, ये क्या कर रहे हैं? वो होश में नहीं है। चुप, अब क्यों हिमायत कर रही है? मैं जब जरूरत थी तब तुम इन सब के साथ मिलके मेरी मुर्तजिम को अपने घर में देख अरमान हो जाएगा शॉक। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अरमान है वो कहता है कि मैंने पहले ही कहा था ये जो शादी आलिया के साथ है ये सिर्फ दिखावे की शादी है, प्यार मैं सिर्फ और सिर्फ आसमा से ही करता हूँ। आलिया उसके पैर पड़ती है और यहाँ पर घर वाले भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन अरमान तभी अपना सहरा उतार देता है। मुझे नहीं कर दी किसी से बात, मुझे नहीं कर। अरमान, अरमान प्लीज मेरी बात एक बार सुनो। अरमान, अरमान मेरी बात सुनो प्लीज। अरमान प्लीज, प्लीज एक बार मेरी बात। अरमान प्लीज, अरमान एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। अरमान, आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके से मुर्तजिम और मुर्तजिम के बेटे को बचाती है आसमा। मुर्तजिम का बेटा कहता है बाबा उठो देखो अम्मी आ गई है। यहाँ पर अब आने वाले एपिसोड में ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा जहां पर आसमा जो है लेकर जाती है अपने ही घर मुर्तजिम और मुर्तजिम के बेटे को, जिस बात से पूरा परिवार होता है बेखबर। यहाँ पर अरमान घर में पीता भी है और कहता है कि देखो आप लोगों ने मेरी जिंदगी को सर्कस बना दिया है और आसमा पर भी चिल्लाने लगता है। आने वाले एपिसोड में अब यही आप देखेंगे कि जब दिखाती है आसमा अरमान को कि मुर्तजिम और उनका बेटा यहीं पर है तो इसके बाद अरमान के होश उड़ जाते हैं। क्या अरमान ये सब बर्दाश्त कर पाएगा या फिर वो भी देगा आसमा का साथ मुर्तजिम और मुर्तजिम के बच्चे को बचाने के लिए, ये देखना होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आलिया की इस फिर से चाल पर पानी फिर गया है। आलिया पत्नी तो बन गई है अरमान की लेकिन अभी भी अरमान को पा नहीं पाई है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।